फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? क्या कर रहे हैं? तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी इस टाइम। अभी तो सारा काम हो चुका है, पूरा घर साफ कर लिया। कैसे बना रहा? मम्मी चेंज कर देगी? एकदम बेटी को भेज दिया। आज 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 मम्मी चेंज कर देगी। आज हस्बैंड को लंच नहीं दिया था, बेटे को सुना, मेरे बेटे को सुनाया, फिर घर का सारा काम किया। तब तक मेरा बेटा उठ गया है, उसका खेल रही हूँ और उसका उसने बाथरूम किया है, तो भी मैं उसका पैंट चेंज कर रही हूँ। इस तरह से मैंने पहले अपना काम निपटाया है, क्योंकि बेटा सोता है तो लालच होता है कि फटाफट पहले काम कर लूं, बाकी सब बाद में करूं, तो इसलिए पहले मैंने अपना काम किया है। और फिर मेरी बेटी भी स्कूल से आ गई, तब मैं स्कूल लेके आ गई बाहर से, उसको प्यार व्यार कर रही हूँ। बस में सोते हुए आती है। बॉटल से पानी गिरा रहा था टेबल पे, तो मैंने उसको बेटी को भेजा कि जा देगी से बॉटल छीनी तो वो गिरा देगा पूरा घर में, फिर एक और काम बन जाएगा हमारा। मेरी बेटी क्या क्या खाया है, नहीं खाया, उसका बैग डेली जो चेक करती हूँ मैं, डायरी में क्या है, लंच में खाया क्या खाया, वही सब उसका रूटीन मैं काम कर रही हूँ, देख रही हूँ उसको मैं, उसने क्या खाया क्या नहीं खाया। लंच तो उसने खा लिया, लेकिन ब्रेड नहीं खाया उसने, बादाम नहीं खाया, काजू नहीं खाया, मूंगफली दी थी वो नहीं खाया, ये सब देख रही हूँ उसका मैं। खाती वाती कुछ है नहीं, लेके जाती है देना पड़ता है, लेकिन डायरी में जिसको कोई कुछ नहीं लिख के भेजा था इन्फॉर्मेशन, होमवर्क भी नहीं दिया आज स्कूल में, कह रही वहीं पर कुछ कराया होगा बुक में, मैचिंग वैचिंग, घर पर होमवर्क नहीं मिला है कुछ भी, वैसे चेक कर रही हूँ, डेली भी चेक करना होता है इसका, क्या बता डायरी में कुछ लिख के तो नहीं भेजा। और ये तब तक कॉपी किताब देखते ही कूदने लगता है फाड़ने के लिए, फटाफट उसको रख के बंद कर रही हूँ, दो फाड़ के उसके चार टुकड़े कर देगा। फिर मैं जाती किचन में सारा ये डब्बा डुब्बी रख के अपनी बेटी को कपड़ा चेंज करूंगी। और ये इन दोनों की मस्ती चल रही है। चिल्ला के बोल रही आ जाए कपड़ा चेंज कर, आ जाए कपड़ा चेंज कर, तो वो भी सुनती नहीं है, पकड़ के उसका कपड़ा चेंज कर रही हूँ। एक तरफ बेटा कूदता फांदता है, एक तरफ बेटी, दोनों को पकड़ पकड़ के करना पड़ता है। चिल्लाओ डराओ धमकाओ तब कूदा पानी तोड़ा फाड़ी सब चल रहा था, तब मैं गई फटाफट अपने बेटी का लंच निकाला, लंच मतलब खाना निकाला था कि वो खाना खाए। स्कूल में तो कुछ खाती ही नहीं है, फिर भी उसके लिए थोड़ा बना बजा के रखा था, तो उसको मैं अभी उसको खाने के लिए दूंगी, तो वो खाना खाएगी। खाना खाएगी कि खिलाना तो मुझे ही पड़ेगा तोड़ तोड़ के मुँह में, जिससे तो उससे खाना भी ना खाया जाए। पता नहीं क्या करता है, क्या करता है कुछ समझ नहीं आता, चूहा की तरह करता रहता है। तब मेरी बेटी खाना भी खा ली नहीं, बोले मोबाइल चाहिए, फिर मैंने उसको खाने के लिए दिया, खाना खा लिया उसने। तब मैं गई किचन में शाम की तैयारी करने के लिए, कल की तैयारी करने के लिए, कल सुबह जो बनता है उसकी तैयारी में
मतलब एक दिन पहले ही कर लेती क्योंकि सुबह सुबह इतना हो नहीं पाता, एकदम जल्दी बनाना था लंच, तो मैंने सब्जी चढ़ा दी है बनने के लिए, और एक तरफ मैं प्याज टमाटर वगैरह काट रही हूँ ताकि वो सुबह सुबह जो तड़के में जो भी लगता है वो सब मैं तैयार कर लेती हूँ पहले ही काट के, ऐसे ट्रे में करके फ्रिज में रख दूँगी। और आलू बॉईल किए थे तो मैंने वो कल के लिए भी थोड़े से निकाल दिए, गोभी काट के कटी हुई पहले की पड़ी रखी हुई है फ्रिज में, मतलब आधा सामान तैयार है मेरा, कल सुबह मैं फटाफट उसको बना लूँगी। तो वो सब तैयारी वेरी भी चल रही है साथ साथ में, अभी प्याज टमाटर वगैरह सब काट कूट के रखूँगी, ये कल सुबह के लिए तैयारी है। शाम की सब्जी तो बन रही है, शाम को मैं बनाऊंगी पूड़ी। सब्जी बना दी है, आटा फ्रिज में गूंदा पड़ा है, शाम को अपना आएंगे, शाम को इनके आने से पहले ही मैं बना लूंगी क्योंकि इन्होंने तो हेल्प करनी है नहीं, और किचकिची करेंगे बच्चा पकड़ ये है वो है, इसलिए शाम को मैं अपना बाहर से टहल वहल के जब आऊँगी तब मैं बना लूँगी पूड़ी, बना के रख दूँगी। अभी सब्जी में पानी थोड़ी ज़्यादा पड़ गई थी, अब उसको सुखाने में जान जा रही मेरी, अब सुखाऊंगी धीरे धीरे करके। अब मैं आटा वाटा निकाल रही हूँ, थोड़ा सा आटा है फ्रिज में वो रात को बन जाएगी, ये आटा गूंद रही हूँ मैं कल सुबह के लिए, मतलब क्योंकि वो आटा बन जाएगा तो सुबह सुबह ज़्यादा मेहनत ना हो इसलिए मैं आटा गूंद के रखूँगी, तो थोड़ा सा आटा मैं गूंद रही हूँ। बड़ा बर्तन इसलिए नहीं लिया है, नीचे से एक ही टोकरी में मेरा बेटा सो रहा था, और टोकरी से बर्तन निकालूंगी तो आवाज़ होगी वो उठ जाएगा, इस डर से मैंने छोटा बर्तन जो सामने था उसी में मैंने आटा गूंदना चालू कर दिया, क्योंकि भैया उससे डर लगता है, मेरे अपने बेटे से बड़ा डरती हूँ, तो आफत की पूरी है, उठ जाएगा तो कुछ नहीं करने देगा, इसलिए मैं अपना आटा गूंद रही हूँ छोटे बर्तन में ही। तो बड़ी मेहनत लगी इसमें गूंदने में, हाथ ही नहीं चल रहा था पर फिर भी किया मैंने। डब्बे में डाल के फ्रिज में डाल दूंगी। और ये अपने बेटे के हॉट केस में पानी गर्म कर रही हूँ ताकि रात को वो दूध दूध मांगता है या कभी शाम को दूध पड़े तो उसमें थोड़ा पानी गर्म करके मैं रखती हूँ कि अगर जल्दी जल्दी हो तो फटाक से दूध बना सकूँ। रात के लिए बेसिकली ये रात के लिए ही होता है तैयारी, शाम को मैं अपना पानी वानी थोड़ा गर्म कर रही हूँ, और ये बाहर जाने से पहले ही पानी उन्हें गर्म कर लिया है आज मैंने, क्योंकि बाहर से आने के बाद भी कभी बेटर होता है कभी कुछ, फिर खाना बनाना होता है थोड़ा बहुत, तो इसलिए पानी उन्हें गर्म कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग बाहर गए, बाहर थोड़े बच्चे बच्चे के साथ खेले गए, बेटी बच्चे सारे घर पर ही आ गए थे बुलाने के लिए वैसे तो, फिर बाहर गए लोग गली में ये सब खेल रहे हैं, और अभी धूप है यहाँ पे, हम लोग गए थे 5:30 के आसपास, धूप थी पूरी कड़ाके की, फिर धीरे धीरे थोड़ा कम होने लगा लेकिन अभी धूप था। तो मेरी बेटी इधर उधर देख रही है मुर्गियों को कोलियों को, बच्चों से लड़ाई कर रही है, मेरी बेटी भी कम नहीं है, बाप रे बाप सबसे लड़ती है ये लड़की,
नहीं मारा चला। ये देखो कैसे रो रही है, उसको हर चीज चाहिए, हर चीज चाहिए अपनी मर्जी के हिसाब से। जिद्दी है अरे बच्चे, उसको कर रहा है। हालांकि बच्चे बहुत प्यारा है, बेटी खराब है थोड़ी सी, हर चीज में जिद करती है, हर चीज में लड़ाई करती है। उसकी हम भाषा नहीं आती है, उन लोगों को हिंदी नहीं आती, उसको तमिल नहीं आती, फिर भी खेलते हैं, मजे लेते हैं एक दूसरे से। ये अच्छा है।